हिस्ट्री के पन्नों से आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ट्रेजेडी किंग है। जी हाँ, भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, हमारे दिलीप साहब, जिन्होंने सिल्वर जुबली फिल्म से लेकर गोल्डन जुबली फिल्म्स की फिल्मों में उम्दा अभिनय किया है, जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने इम्तियाज से नवाजे गए। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। उनके पिता लाला गुलाम सरवर फल बेचकर घर का गुजारा करते थे। घर की तंग हाली को देखकर उनका परिवार पेशावर से मुंबई में बस गया, लेकिन दिलीप साहब मुंबई छोड़कर पुणे चले गए, जहां उन्होंने कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। वहां उन पर नजर पड़ी मशहूर अदाकारा और बॉम्बे टॉकीज की ओनर देविका रानी की, जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में खींच लाई, और इस तरह मोहम्मद यूसुफ खान बन गए एक्टर दिलीप कुमार। दिलीप साहब ने 1944 में रिलीज ज्वार भाटा से फिल्म की शुरुआत की, लेकिन इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। 1947 की फिल्म जुगनू से दिलीप साहब का नाम फिल्मी सितारों में शामिल हो गया। दिलीप साहब ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के उम्दा किरदार निभाए, चाहे वो 1949 की रोमांटिक फिल्म अंदाज हो, दीदार हो, बीमल रॉय की ड्रामेटिक देवदास हो, या 1960 में आई हिस्टोरिकल फिल्म मुगले आजम की सलीम अनारकली की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हो, गंगा जमुना, राम और श्याम, इन सभी किरदारों को निभाकर हिंदी सिनेमा को एक नया निखार जिस शख्स ने दिया वो थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। दिलीप साहब के साथ काम करना हर एक कलाकार का सपना होता है, लेकिन किसी कारणवश दिलीप साहब ने बहुत कम ही फिल्मों में काम किया। उस समय के हालात कुछ यूं थे कि कुछ एक्टर दिलीप साहब के साथ काम करने से कतराते थे, इस कारण से कि वे दिलीप साहब के सामने कहीं कमजोर न पड़ जाएं। सुपरस्टार राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन भी उनका स्टेटस हिला नहीं पाए। 1976 के बाद दिलीप साहब ने फिल्मों से थोड़ा आराम ले लिया और उसके बाद आई क्रांति, शक्ति, कर्मा और सौदागर। इन फिल्मों में उनका संजीदा अंदाज फैंस को पसंद आने लगा। मशहूर अभिनेत्री मधुबाला से अलग हो जाने के बाद दिलीप साहब ने अपना पूरा ध्यान फिल्मों पर लगा दिया और 44 साल तक शादी नहीं की। फिर उनके जीवन में आई 22 साल की सायरा बानो, जिससे उन्होंने निकाह कर लिया, और उस समय के दौर में रफीदा बने दिलीप कुमार की आवाज। दिलीप साहब ने कई फिल्में प्रोड्यूस भी की, गंगा जमुना जिसमें दिलीप साहब के भाई नसर ने भी काम किया, 40 का दशक हो या 80 का दशक, शक्ति, विधाता, मशाल, कर्मा, सब में उनका उम्दा किरदार नजर आता है। उनकी चमक कहीं भी फीकी नहीं पड़ती। 1993 में दिलीप साहब को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सबसे ज्यादा हिंदी फिल्म अवार्ड्स जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दिलीप साहब का नाम दर्ज हो चुका है। धर्मेंद्र और मनोज कुमार जैसे दिग्गज एक्टर के साथ फिल्मी इंडस्ट्री के कई सितारे भी दिलीप साहब से इंस्पायर हुए हैं। ऐसे दिग्गज अभिनय की मिसाल ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को हम तहे दिल से याद करते हैं और उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए अलविदा लेते हैं। बाय बाय।